रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र से अनीता चौहान के भाजपा का प्रत्याशी घोषित होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। वहीं झाबुआ पहुंची भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने टंटिया मामा की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी का कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत कर बधाई दी गई, तो आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। वहीं पार्टी हाईकमान ने रतलाम झाबुआ अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र में तीसरी बार महिला पर भरोसा जताया, अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट दी है। गौरतलब है कि अनीता चौहान दो बार से जिला पंचायत अध्यक्ष है, वहीं इनके पति नागर सिंह चौहान 2003 में पहली बार विधायक चुने गए थे। वर्तमान में वे मध्य प्रदेश शासन में वन एवं पर्यावरण मंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अनीता नागर सिंह चौहान को झाबुआ अलीराजपुर रतलाम लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार आज जो कार्यकर्ताओं का जुजम जगह जगह उमड़ रहा है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे रतलाम लोकसभा है ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है और नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है। जिम्मेदारी तो बड़ी है, लेकिन इतने सारे कार्यकर्ताओं की भीड़ है, आपको लग रहा है कि मैं डरूंगी? बिल्कुल नहीं डरूंगी। मेरे भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं बिल्कुल खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मदद से। ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो माननीय मोदी जी की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं और माननीय मोहन यादव जी की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको हम ले जाएंगे नीचे, लोगों को बताएंगे कि ये आवास किसने दिया है, जो फ्री का अनाज है वो किसने दिया है, हमको शौचालय किसने दिया है, और जो गैस की टंकियां उज्ज्वला के तहत दी है तो वो किसने दिया है, ये हम लोगों को जाकर बताएंगे और निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और भारी मतों से विजय बनाएं। खुद आश्चर्य में थी रात की 1-2 बजे तक भी, फिर सोने के बाद मुझे आज असली में पता चल रहा कि हाँ मुझे ही टिकट मिला है। लेकिन कल तक तो यही था कि मैं खुली आँख से सपना तो नहीं देख रही हूँ कि मेरी जमीन के मतलब पैरों के नीचे जमीन है या नहीं है। मैं खुद शॉक्ड थी और मुझे मतलब इतना वैसा लगा कि मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं बिल्कुल दे रही है, मोदी जी ने कहा है, जो मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। बिल्कुल मोदी जी की तरफ से यही है कि मुझे टिकट दिया है तो हम सबकी मेहनत से हम विजय हासिल करेंगे और जन कल्याणकारी योजनाएं जहां नहीं पहुंची हैं हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे।